वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक का व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। फिलहाल तो चोरी हो ही चुका था यार। इतना देखो, इतना धूप की रोशनी यार, बहुत खतरनाक टाइप का ब्राइटनेस आने लगता है एकदम से चेहरे पे धूप की वजह से, और थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ जा रहता है ना इसकी वजह से। और यहाँ का सुबह मुझे बहुत बेस्ट लगता है, ताकि मतलब इतना ज़्यादा गाड़ी देखो, जस्ट सामने में रोड ही है, उसके बाद भी ना इतना ज़्यादा खतरनाक रोड का आवाज़ नहीं आता। मस्त चिड़िया उड़िया चुलबुल चिल्लाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सुबह के 7 बजने वाले हैं तब हम लोग उठे हैं। ओके गाइस, तो सीधा चलो घर में, घर पास मिलते हैं सीधा। और भाई देने के लिए गया ताला, सीधा अपने कोटा वाले घर में मिलते हैं सीधा। चलो ऑफिस पहुंच गया हूँ और पूजा भी कर लिया, और सौरभ जोशी का वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि यार सौरभ जोशी का वीडियो देखे बिना दिन नहीं जाता, क्योंकि सौरभ जोशी से इंस्पायरिंग है और सबसे बेस्ट लगता है मुझे सौरभ जोशी। सो अभी सौरभ जोशी का वीडियो देखता हूँ। और यार ऑफिस में अपना वर्क के लिए टाइम लगाना ही पड़ता है, और इसके बाद जो और कुछ इन्जॉयमेंट होता है तो मिलते हैं सीधा आगे। अभी तो फिर हाल में सौरभ जोशी को ब्लॉग देख लेता हूँ मैं। ये तालाब वाला रास्ता है, इस रास्ते से जा रहा हूँ आज, क्योंकि ये रास्ता ना मुझे बस्ती के जो रास्ते से जाता हूँ ना उस रास्ते से बहुत खास लगता है, और यहाँ अकेले मस्त अकेले चलते चलते बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस रास्ते से मैं जाता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं सीधा घर में वापस मिलता हूँ, तो खाना खाने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ घर। तो भाई मैं यहाँ पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा टाइम पास नहीं मिलता, आई थिंक टाइम पास करना मेरे लिए अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ यार, ऑफिस में वर्क करने के लिए इसीलिए थोड़ा सा टाइम पास करना ही पड़ता है। थोड़ा सा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, क्योंकि अच्छा लगता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और बचपन से भी हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे, पहले तो टीवी भी देखते थे, अभी यूट्यूब पर भी आ रहा है बहुत सारे। और गाइस आज जा रहा है, आज सॉरी आप बोल रहे हैं आज जा रहे हैं, सॉरी कल जा रहे हैं, सॉरी यार कल नहीं जा रहे हैं हम लोग, मतलब कल बारात जा रहे हैं भैया का, बट मैं बता दिया अपनी फर्स्ट वीडियो मतलब बारात वाली वीडियो पे चिट्ठी भैया का, तो मैं बारात नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि महासमुंद बारात जा रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे हूँ मैं, क्योंकि बहुत दूर है और मम्मी भी घर में नहीं है। तो हमारे जो बंसी भैया है ना उनका शादी है 21, 22, 23, तो मैं सीधा पार्टी के दिन जाऊंगा और उस दिन का भी ब्लॉग डालूंगा, बहुत धमाकेदार रहेगा आप लोगों के। बाहर का नज़ारा देखो, थोड़ा देर पहले ना इतना मतलब अच्छा मौसम कर रहा था और मतलब बढ़िया था, इतना ज़्यादा घाम नहीं कर रहा था, और अभी इतना भयानक घाम कर रहा है ना, देखो इतना तगड़ा वाला घाम कर रहा है ना, क्या बताऊँ। मैं तो चुपचाप ऑफिस में बैठा हूँ, ये देखो एसी और हैं मस्त आराम से, पर क्या करें यार, मेरे को कहीं घूमने भी जाना था। चलो कोई बात नहीं, सीधा अब घर में मिलते हैं और कुछ इंजॉय करते हैं। गाइस ये देखो बीच में, और कमेंट करना कि कौन सा सॉन्ग बज रहा है, कौन सा करता सॉन्ग बज रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, तो भाई 7:13 हो चुका है और ऑफिस भी बंद हो गया है, और सीधा चलते हैं घर। मैं घर पहुंच चुका हूँ, और यार घर में अंधेरा ही रहता है यार, मैं जानते हो,
मतलब अच्छा रहता है, मेरा घर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और अपना घर किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। बाकी अंदर चलता हूँ मैं, नहीं पहले बोर्ड हाथ में। घर पापा सोए हैं और पापा धमाकेदार पिक्चर देख रहे हैं, साउथ का मूवी चल रहा है गाइस यहाँ पास, बहुत बेस्ट मूवी है, देख रहे हो थंडर वाली, एकदम एक्साइटेड। ब्लॉग बनाते हैं, आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉच टाइम, बाय।